बात बाजार की करें तो आज रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार देखने को मिले। सेंसेक्स पहली बार 34,500 और निफ्टी 10,650 के पार बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 70 और निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और इंडेक्स 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। फार्मा और बैंकिंग शेयरों में भी खरीदारी रही। तेल गैस शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। रजत, मतलब आज का दिन काफी अच्छा रहा। बिल्कुल, एक रेंज में फंसे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर जो क्लोजिंग है वो रिकॉर्ड स्तरों की है। आज की मार्केट पे देखिए, मार्केट्स पे मोमेंटम जो लगातार है और वो बजट से पहले खरीदारी काउंटर स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। बजट में हो सकता है उतना एक्शन ना हो जितना बजट से पहले अभी काउंटर स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर भी रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। इंडसइंड बैंक आज फोकस में था क्योंकि नतीजे आने वाले थे। नतीजे मुनाफे फ्रंट पे तो ठीक थे, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स पैदा हो गए। उसके बाद एकदम से हायर लेवल्स पे थोड़ा स्लिप करता हुआ नजर आया। आईटी और छोटे फार्मा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। और कुछ सेक्टर्स जिसमें एनबीएफसी, रियल्टी और साथ साथ ऑटो एंसिलरी, यहां पर आज तेजी देखने को मिली। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे वो था इन्फोसिस। आज शुरुआती सत्र से काफी एक्टिव था लेकिन 2% तेज हुआ। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग था। इन्फोसिस के नतीजे हैं कल, जी बिजनेस पे सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। इसके अलावा विप्रो, इंडसइंड बैंक और अंबुजा सीमेंट, यहां पर आज प्रॉफिट देखने को मिली नतीजों के बाद। इंडसइंड बैंक लगभग 2% के आसपास की कमजोरी क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक में आई। आईटी शेयर्स का दिन था, इन्फोसिस तो चला ही, साथ ही साथ जेनेसिस इंटरनेशनल, क्विक हील और सोनाटा सॉफ्टवेयर, यानी कि स्मॉल कैप आईटी, ये फ्लेवर था मार्केट का। इसके अलावा छोटे फार्मा शेयर्स में भी खरीदारी थी जिसमें आरपीजी लाइफ डबल डिजिट रिटर्न दे रहा था। आरपीजी लाइफ आज के सत्र में मॉर्पिन लैब्स एक और स्टॉक जहां पर 10% का उछाल था। मार्क्सन्स फार्मा और ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स में भी 4-5% का मूव आता हुआ नजर आया। कुछ चुनिंदा फाइनेंस स्टॉक्स और एनबीएफसीज, यहां पर तेजी बनी जिसमें आईएफसीआई, कैपिटल फर्स्ट, टूरिज्म फाइनेंस और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में आज रफ्तार थी। रियल्टी स्टॉक्स में लगातार मजबूती है और आज बारी थी नीतीश एस्टेट्स की। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी, जंडू रियल्टी और साथ साथ प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स चढ़े। और आज जो तेज हुआ उसमें था आईडीएफसी बैंक। बैंकिंग ने इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक को लेकर कुछ मर्जर की खबरें हैं जिसमें मैनेजमेंट कोई पुष्टि नहीं की है, ये दोनों ही स्टॉक्स तेज थे। प्राज इंडस्ट्रीज, सेटको ऑटो और कामत होटल्स, यहां पर आज एक्शन स्ट्रांग था। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, आज ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए और तो ऑटो कंपनियों की बिक्री के लिहाज से दिसंबर का महीना मिला जुला रहा। हालांकि अगर कारों की बिक्री को छोड़ दे तो हर सेगमेंट में बिक्री के आंकड़े काफी शानदार रहे। दिसंबर में पैसेंजर कार की साल दर साल बिक्री 0.2% घटकर 1.58 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं टू व्हीलर की बिक्री में 41.5% का जोरदार उछाल आया और ये संख्या 13 लाख यूनिट पर पहुंच गई। कमर्शियल व्हीकल यानी कि भारी वाहनों की बिक्री के आंकड़ों से भी इकोनॉमी के बेहतर संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर में कमर्शियल व्हीकल की साल दर साल बिक्री 52.6% बढ़कर 82,362 यूनिट पर पहुंच गई और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी तस्वीर अच्छी है। दिसंबर में एक्सपोर्ट 21.3% बढ़कर 3.5 लाख के पार पहुंच गया।